दोस्तों, साउथ अफ्रीका महिला टीम से हार के बाद ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पर बीसीसीआई ने लगाया इतने करोड़ रुपए का जुर्माना और 2 साल का प्रतिबंध। आखिरकार आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय महिला T20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया, जिसमें 58 रन से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लगातार 2 मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका से भारतीय टीम ने जीत ली और 4थे मुकाबले में बदकिस्मती से ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारतीय टीम को 9 रन से हार झेलनी पड़ी डाली। लेकिन अब महिला T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को साउथ अफ्रीका की टीम के हाथों बुरी तरीके से हार झेलनी पड़ी और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। लेकिन अभी अभी बीसीसीआई ने बड़ा ऐलान किया और ऑस्ट्रेलिया पर स्लो ओवर रेट के चलते बड़ा जुर्माना लगाया, क्योंकि स्लो ओवर रेट होता है एक निश्चित टाइम के अंदर दोनों टीमों को ओवर फेंकने होते हैं। मगर यह कारनामा भली भांति से साउथ अफ्रीका की टीम ने तो कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 मिनट लेट हो गई और 5 मिनट लेट होने के चक्कर में बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया पर बड़ा जुर्माना लगा दिया।